मूर्ति भी है। यहाँ से जो है पिकनिक वाला सबसे ज़्यादा बेटर जगह, यहाँ से कहीं नहीं हो सकता। पानी ले रहे हैं जो सीधा जो है मुतेकड़ा जलप्रपात जाते हैं, नाश्ता पानी कर सकते हैं, मार्केट भी लगता है लोकल मार्केट। हे गाइस, फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं राजू, आप देख रहे हैं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप लोगों को मैं दिखलाने ले जा रहा हूं केसकाल का एक वाटरफॉल है। यहाँ से 32 किलोमीटर दूरी पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है मुतेकड़ का जलप्रपात। तो वहाँ पर आप लोग कैसे जा सकते हो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। सो जिन भाई लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप लोगों की चैनल में देखने को मिलती रहती है। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आना होगा केसकाल। फिलहाल अभी जो है हम लोग पुराना नाका के पास हैं, यहाँ से आप लोगों को लेफ्ट कटना है, लेफ्ट चलते हैं। यह है पुराना नाका है, यहाँ से हमें आगे जाना है केसकाल पार होते हुए। कटना है तो गोबरेन रोड से जाना होगा, यहाँ से हम राइट कर लेते हैं। बहुत सारा यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड, कहाँ कहाँ यहाँ से जा सकते हैं, पूरा डैशबोर्ड है। यहाँ से कितना किलोमीटर पर क्या मिलेगा आप लोगों को पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा। पूरा रोड खाली है एक्चुअली में, अगर कोई फेस्टिवल रहता है तो उस समय बहुत ही ज़्यादा आने जाने का भीड़ रहता है, बट जो है अभी फेस्टिवल वगैरह कुछ नहीं है तो पूरा खाली है रोड। यहाँ से ऑनहेड 11 किलोमीटर है, 11.5 किलोमीटर है और हमें यहाँ से आगे से कटना होगा। यहाँ से आगे ऑनहेड जाते हैं और इधर जो है कुएमारी, सो यहाँ से 20 किलोमीटर है कुएमारी और हम आगे जाके देखते हैं कि रोड कैसा है। और यहाँ से तो रोड ठीक है, यानी कि अभी रोड बन रहा है गाइस, इधर एक्चुअली रोड वगैरह बन रहा है मस्त, और अभी जो है कंडीशन ठीक नहीं है तो अभी आना आप लोगों को अच्छा नहीं होगा। अभी रोड उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और ना ही ठीक भी है, पीच पे रास्ता ठीक है और जगह ख़राब भी है। एक्चुअली यहाँ पर जो है मुर्मीकरण हुआ है, अभी तक जो है प्रॉपर तरीके से रोड नहीं बना है। से आप लोग को देखने को मिलेगा सीसी रोड आधा दूर तक, है ना, बहुत ही कम दूर तक सीसी रोड है। इस फुल स्पीड में ऑटो आ रहा है, आज मार्केट भी है ना केसकाल का, तो बहुत ही ज़्यादा इधर मार्केट आते हैं। यहाँ से जो रोड ऊपर है ना, जैसे आप केसकाल टाटामारी में है ना, वैसे ही चढ़ानी है पूरा, देखिए ऊपर तक है, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की तरफ से बनाया हुआ। और यहाँ एक लाड़ी भी है, एक लाड़ी भी है मस्त वन विभाग वाला। और इधर खाली मुर्मी रोड है मिलेगा आगे तक, अच्छा है। और यहाँ पर भी एक लाड़ी बना है लेकिन कोई नहीं है लाड़ी पे। यहाँ पर कई वाटरफॉल हैं इस रोड पे और आप लोगों को मैं एक ही वाटरफॉल दिखलाऊँगा जो कि है मुतेकड़ का वाटरफॉल। इधर ऊपर भी दी जा सकते हैं इधर से, और इधर एक कुएमारी वाला, आप लोगों का आगे जाना है सीधा कुएमारी वाला रोड जाना है। यहाँ पर एक बोर्ड है वन परिक्षेत्र केसकाल की तरफ से, और यहाँ पर जो है एक मैप शो कर दिए हैं कि आगे यहाँ से जो है कुएमारी 10 किलोमीटर है और एक झरना भी है लिंगोधर झरना करके यहाँ पर। यहाँ से जो है 300 मीटर की दूरी पर है इधर, और शायद अभी वहाँ पर पानी होगा तो इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और काट लिए हैं पुल बनाने के लिए, हमें साइड से जाना पड़ता है। यहाँ पर और एक फूल है, पहले छोटा फूल था, बना लिए हैं बड़ा फूल, यानी कि अब बहुत जल्द यहाँ पर रोड अच्छा से बन जाएगा। देखो काट लिए हैं पुल बनाने के लिए, एक्चुअली भाई साहब पूरा इधर जो है बारिश की वजह से पूरा चिक्कल हो गया है पूरा, देखिए गिर ना जाए कहीं। और इधर गाइस पूरा चिक्कल ही चिक्कल है एक्चुअली, नीचे वाला रोड ख़राब है गाइस, बट जो है रोड बनने के बाद काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा बेटर। यहाँ सामने एक जंगल है और जंगल पार करते हुए आप लोगों को आगे जाना है। लो भाई साहब फिर से एक पुल आ गए हैं, अब यहाँ तो हद ही हो गई ना, देखिए पूरा पुल है पर पुल की तरह नहीं है गाइस, पूरा ही ख़राब है। और इधर देखिए बाईपास रोड भी पूरा पानी पानी हो गया है, देखिए पूरा खाली खाली है पूरा व्यू, पूरा मैदान साफ है, आसमान भी साफ है। तो दादाजी गिरजा के आ रहे हैं, सो इधर का घर इस तरह से है रोड किनारे मस्त, सामने कुछ होटल वगैरह भी हैं, नाश्ता पानी कर सकते हैं, होटल वगैरह है आई थिंक, लगता है दुकान है। और इधर सामने होटल होगा आई थिंक, लगता है पूरा दुकान है राइट साइड, पेट्रोल वगैरह सब मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है एक मुतेकड़ का जलप्रपात है, यहाँ पर एक इधर जो है होनाबाड़ को जलप्रपात, जो सीधा जो है मुतेकड़ा जलप्रपात जाता है, इधर जो है कुएमारी जलप्रपात।
सो यहाँ से अब चलते हैं आगे, जिसे जाते हैं यहाँ सीधा है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर अब किधर कैसे जाएंगे आप लोगों को आगे वीडियो में पता चलेगा। इधर का रोड थोड़ा ठीक नहीं है, यहाँ पर मार्केट भी लगता है, लोकल मार्केट। कब लगता है ये नहीं पता, लेकिन लोकल मार्केट लगता है। काफ़ी पुराना ये है, मार्केट लगता है, पूरा लकड़ी वगैरह है, बहुत ही ज़्यादा पुराना। तो इधर पहले से काफ़ी ख़राब रोड है, लेकिन ठीक ठाक है, जा सकते हैं इधर से, अच्छा थे। आसपास बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, गारांजी का पेड़ है, आम वगैरह का। खैर, तो यहाँ का रास्ता थोड़ा ख़राब है, थोड़ा इधर से पानी बहता है, तो रोड ख़राब, पूरा रोड जो है उकड़ चुका है। जो है माड़ गाँव है, और यहाँ का जो है देखिए, एक तरफ जो है लकड़ी से रुंदान किए हैं, और एक तरफ जो है पूरा पत्थर से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। पत्थर वाला रूट से जो है जाने का रास्ता, आई थिंक ये वाला रोटेशन दिए हैं, लेकिन नहीं है, और हमें जाना है आगे। गाइस इधर देखिए पूरा पहाड़ जैसा है, इधर पूरा जो है पूरा ऊपर है। सो यहाँ पर पूरा मैदान की तरह है पूरा, और एक दो गांव मिलेंगे, एक दो घर हैं आसपास। सो आगे है, क्या मिलेगा कैसा है नहीं पता। घूमते हुए हम लोग इधर आ गए हैं फाइनली, भैया से पूछ के, मैप भी नहीं काम कर रहा इधर, तो कुछ जाना होगा इधर ऊपर। सो गाइस पानी ले रहे हैं, इधर गाड़ी वगैरह नहीं चलते उतना, इतना ही है। इधर से भाई पूरा ऐसा लगता है कि इधर रास्ता ही नहीं है, ऐसा जगह है, पता ही नहीं चलता कि सामने रास्ता भी है कि नहीं। सो पता नहीं आगे रास्ता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, बट हमें चलते जाना चाहिए। सो फाइनली कहाँ, सो भाई लोग से पूछ लिए, आगे रोड है और जाता है इधर से ही। सो भाई भूल भुलैया पुल्ली है, पूरा कन्फ्यूज रोड है गाइस, सीधा सीधा 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, झुलके हैं उसके अनुसार दिखता है 4 किलोमीटर, बट घूम के जाना पड़ता है। अबे गाइस कहाँ किधर कैसे कैसे जाएंगे ये भी नहीं पता। ये रहा 4 रास्ता है, अब किधर जाएं, ये वाला रोड तो हम लोग जा रहे हैं, बट जो है अबे कहाँ आ गए भाई। ऐसे यहाँ ऐसे जगह पहुँचे हैं जहाँ पर रोड वगैरह कुछ नहीं है, और मैं भूलते यहाँ तक आ गया हूँ रास्ता ढूंढते ढूंढते, और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। जाता हो गाड़ी कहाँ जाएगा गाइस, पूरा बंद है, इधर से नहीं जाता बाइक, तो हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा आगे वाला। तो इधर से जाते हैं, और वहाँ से जहाँ आए थे इधर वाला है, और जो है कन्फ्यूज़ वाला है, वो वाला रोड नहीं जाना, ए वाला आना है मुड़ के, तो हम इधर से जाएंगे जो बाइक वगैरह गए हैं। सो तो सुअर भी है, तो कौन सा रास्ता है, अरे भाई आगे से जाना है, गए थे हम लोग तो कन्फ्यूज हो गए, तो इस पार से जाते हैं, इस बार 2 बार हो गया इधर से गाइस, पता नहीं कितना भूल भुलैया है इस जलप्रपात। सो छोटा सा रास्ता है, पूरा खतरनाक वाला सीन, सही गया सही था, लेकिन जो है ना रास्ता अलग था, जो गया वो वाला रास्ता था, लेकिन ये वाला अब जाना है, से गया था लेकिन जो है कन्फ्यूज हो गया, तो इधर जाना है। ओ भाई साहब, लेकिन तो यही डिस्टिनेशन था जाने का, तो जाते वक्त उधर से चला गया तब, तो इधर सब जाना है, अब सही रास्ते जा रहे हैं गाइस। किसी ने सही कहा था, जहाँ तक रास्ता दिखता है वहाँ तक जाओ, और वहाँ जाने के बाद आप लोगों को वहाँ से आगे का रास्ता पता चलेगा। यहाँ पर क्रिकेट मैदान अच्छा रहता है आई थिंक, लगता है सामने है व्यू पॉइंट गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हम इधर कटेंगे, तो यहाँ पर शायद इसका ये मिल जाए आई थिंक, आगे है, आगे तक है गाइस, यहाँ से जो है पूरा नाला ही नाला है, और आगे जो है शायद इसका झरना मिलेगा, तो आगे हम फिर चलते हैं, तो पूरा मैदान ही मैदान है। तो यहाँ पर है वाटरफॉल,
ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, फाइनली हम लोग वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। तो फाइनली मैं वाटरफॉल पहुंच चुका हूं और आसपास का व्यू देखिए पूरा खाली है, पूरा मैदान है और जो बाइक अकेला है और मैं भी अकेला हूं और यहां पर कोई नहीं है और एक दो है गांव वाले इधर जा रहे थे, पता नहीं कहां जा रहे थे। तो अभी मैं अकेला हूं और ऐसे जगह सुनसान जगह पे अकेला कोई आता है क्या, लेकिन मैं आ गया हूं एक्चुअली में। और मैंने देखा था यहां का वाटरफॉल बहुत ही अच्छा है, जो कि हर मौसम में पतली धारा बहती है, तो अभी भी यहां से झरना सुनाई दे रहा है। तो आप लोगों को वहां लेके चलते हैं, कैसा व्यू मिलेगा। और यहां से जो है पिकनिक वाला सबसे ज़्यादा बेटर जगह, यहां से कहीं नहीं हो सकता मेरे को लगता है। और यहां से अभी भी जो है ना धारा बह रही है और उधर से पानी आ रहा है और इधर जा रहा है मस्त। ये है झरना, यहाँ से उधर का व्यू देखिए काफ़ी अच्छा। गाइस ये जो जगह है ना पिकनिक वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, और देखा जाए तो पानी वगैरह की सभी की सुविधा है और एक तरह से यहाँ पर खुला जगह है और मैदान वगैरह भी बहुत अच्छा है। सो अभी हम झरने के नीचे तरफ जाने का रास्ता आप लोगों को दिखलाते हैं। और देखिए भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खाई है गाइस, और आप लोग बैक साइड से दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ से तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इधर से देखिए, और जो है और इधर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। अब नीचे उतर के दिखलाते हैं कि नीचे से किस तरह से यहाँ का जो है जलप्रपात दिखता है। तो अभी हम नीचे उतरते हैं। यहाँ पर गणेश भगवान की तरह एक मूर्ति भी है मस्त वाला, और यहाँ पर बोर्ड भी है एक जलप्रपात से उतरने का रास्ता है नीचे, और जो ठीक ठाक है उतरने का रास्ता भी। और यहाँ से जो है भाई 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 मस्त व्यू है गाइस, देखिए होता वगैरह है वहाँ पर, अगरबत्ती वगैरह जलाए हैं, नारियल वगैरह पड़े हैं वहाँ पर, स्थानीय देवी देवता हो सकते हैं। तो भाई साहब तो यहाँ से जो झरना दिख रहा है ना गाइस काफी नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ से जो है झरना का व्यू जो है ना काफ़ी अच्छा है, और अभी जो पानी बहुत ही कम बह रहा है, यानी कि यहाँ हमेशा पतली धारा बहती रहती है, तो इसी तरह से हमेशा बहती रहती है। अगर बारिश ज़्यादा आए तो आई होप यहाँ से भी बहुत ही ज़्यादा पानी बहता होगा, मुझे देख के लग रहा है। और यहाँ से जो झरना का व्यू है ना गाइस नेक्स्ट लेवल है मत ही पूछो। और यहाँ से नीचे से ऐसा व्यू वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो देखते हैं कोई ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।